एडवांस्ड एंडोस्कोपिक प्रोसीजर में ERCP जो कॉमनली यहाँ पर हम कर रहे हैं, ERCP होता है बेसिकली एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपैनक्रियाटोग्राम। ये मेनली डायग्नोसिस के लिए और इलाज के लिए किया जाता है, जैसे पित्त की नली की कोई प्रॉब्लम है, पित्त की नली का कोई कैंसर है, गॉल ब्लैडर का कैंसर है, पैनक्रियाज का कैंसर है, और जिसमें पित्त की नली में कहीं पे रुकावट होती है। जब पित्त की नली में रुकावट कैंसर की वजह से भी हो सकता है और कोई पथरी की वजह से भी हो सकता है। जब पित्त की नली में रुकावट हो जाती है उसकी वजह से पीलिया हो जाता है पेशेंट को, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस पीलिया होने की वजह से उसमें खुजली होने लग जाती है, बुखार होने लग जाती है, तो उस रुकावट को दूर हम ERCP के द्वारा करते हैं। ERCP की तरह बिना कोई चीर फाड़ करके अंडर सेडेशन एंडोस्कोपी के थ्रू ही जाते हैं, और जहाँ पित्त की नली छोटी आंत में खुलती है उसके थ्रू जा करके पित्त की नली में जाते हैं, और नली में जा करके स्टेंट डाल देते हैं। स्टेंट डालने की वजह से वो धीरे धीरे पित्त वापस लीवर से छोटी आंत में आने लग जाता है, उसकी वजह से पीलिया ख़त्म हो जाता है। और वहाँ पर अगर गांठ मिलती है पित्त की नली में या जहाँ पर पित्त की नली छोटी आंत में खुल रही है वहाँ पर, तो उससे हम बायोप्सी भी ले लेते हैं, और बायोप्सी से अकॉर्डिंगली बीमारी कन्फर्म होकर के अगर ऑपरेशन होने वाला होता है, बीमारी ज़्यादा फैली नहीं है, उसके बाद में CT स्कैन करा के देखते हैं, अगर फैली नहीं हुई है तो ऑपरेशन कर हो जाता है। अगर मान लो कई बार ऑपरेशन नहीं हो सकता और कैंसर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो एज पैलिएटिव स्टेंटिंग भी करते हैं हम। पित्त की नली में मेटल की एक जाली बिठा देते हैं, उसकी वजह से परमानेंट एक बार जाली बिठ गई तो उसके बाद में पित्त आता रहता है और पीलिया नहीं होता है जब तक लाइफ है। उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में उसमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी हो जाती है। दीज आर द कॉमन इंडिकेशन ऑफ द ERCP एंड वे रूटीनली डूइंग मल्टीपल ERCP एट द गैस्ट्रो डिपार्टमेंट ऑफ द मणिपाल हॉस्पिटल्स। थैंक यू।